अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने जो उस वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है, जिसमें मैंने फ्रॉक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर की थी, डिज़ाइनिंग फ्रॉक और लेफ्ट ओवर फैब्रिक के साथ, तो आपको काफ़ी अच्छा वो लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ मज़ीद जो हैं इस तरह की वीडियो शेयर करूँ और डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ, और जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए एक और फ्रॉक की डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। ये फैब्रिक जो आप देख रहे हैं, इससे मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक जो है बनाना बताऊंगी। जैसा कि आपने शुरू में ही फ्रॉक जो बनी हुई थी उसे देख लिया है, वही आज हम इस वीडियो में तैयार करेंगे। यहाँ पर ये ट्राउजर का जो सिंपल कपड़ा है, इसको पहले मैं सिलाई लगा लूंगी और जितना मुझे चाहिए उसके मुताबिक कट कर लूंगी। यहाँ पर अब जो आपको प्रिंटेड कपड़ा दिखाई दे रहा है, इसको मैं चार हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस तरह से तय लगा लूंगी, और इसकी चौड़ाई जो है उसको पूरा करने के लिए और फ्रॉक के मुताबिक रखने के लिए यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करके देख लूँगी और इसका नाप ले लूँगी। यहाँ पर अब जो मेरे माइंड में है डिज़ाइन से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल जो है ये आपको कलियाँ बनाकर दिखाऊंगी, और कलियों को इस सिंपल कपड़े के साथ जो कि आपको साइड पर दिखाई दे रहा है उसके साथ इस तरह से एडजस्ट करूँगी। फ्रॉक की लंबाई जो है वो भी बराबर आ जाए और चौड़ाई में भी काफ़ी अच्छी ये लगे। तो यहाँ पर हम सिंपली इस कपड़े की कलियाँ जो है वो काट लेंगे। और इस सादे कपड़े को भी मैं कट कर लूंगी। जब इस पे सिलाइयां लगेंगी तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं इसकी जो है पेटी की कटिंग करूंगी। ये है जी फ्रंट हिस्सा पेटी की कटिंग करने का, और यहाँ पर आप दो तरह की पीसेस देख रहे हैं। आप इसको देखते जाइए और जैसे जैसे मैं इसको कटिंग करूंगी आपको मजीद इसकी समझ आती जाएगी। ये है जी इसकी बैक साइड, और इसी के मुताबिक हम इस कपड़े को भी जो है कट कर लेंगे। ये हमने पेटी के लिए लिया है जी, ये फैब्रिक हमने पेटी के लिए लिया है। अब जो लंबाई में आपको कपड़ा दिखाई दिया है वो हम इसका बटन टेक बनाएंगे, और ये आज दूसरी तरह से मैं आपको बटन टेक सिखाऊंगी। और यहाँ पर अब हम इस कपड़े पर निशान लगा लेंगे और कंधे की कटिंग का निशान लगा के उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों के इतने जो डीप गले वगैरह नहीं बनाए जाते, तो यहाँ पर अंदाजे से ही मैं कटिंग कर लूँगी बैक की, और फ्रंट की हम बाद में थोड़ी सी मज़ीद कटिंग करेंगे। ये देखिए जी, अब इस फ्रंट की कटिंग करके हमने एक मज़ीद कपड़ा लिया है ताकि फ्रंट की जो सिलाइयाँ वगैरह लगें वो बहुत ही नफासत से लगें, तो इसके लिए हमने एक और कपड़े का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अब गले से आधे इंच का निशान लगाकर उसे हम यहाँ कॉर्नर तक निशान लगाते जाएंगे, और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कंधे से भी इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी बिल्कुल ये कपड़ा जो है वो प्रिंटेड कपड़े के मुताबिक ही हम कट कर लेंगे, और इसको सिंपल कपड़े के ऊपर एडजस्ट करके देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग जो है मुकम्मल हो गई है, हम इसके बाजुओं की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसे जो है स्लीवलेस भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बाजू बना लूंगी, अच्छे लगते हैं बच्चियों को पहने हुए। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं जी हम स्टिचिंग की तरफ, और स्टिचिंग में हम सबसे पहले जो आपको बिल्कुल सीधा कपड़ा
दिखाई दिया है जो कि हमने दो पीसेस कट किए थे उसको हम लेंगे और उसके साथ ये जो हमने कटिंग की हुई है कलियां वो साइड्स पे एडजस्ट करते जाएंगे। इस तरह से वो जो सीधा कपड़ा है वो सेंटर में ही रहेगा और कलियां जो है वो साइड्स पर आएंगी तो अच्छी लगेंगी। यहाँ पर हम इन सारी कलियों को जो है एडजस्ट कर लेंगे, यानी पांच पांच ये पैनल्स जो हैं एक साइड पर और पांच पैनल्स जो हैं बैक साइड पर लगेंगे। और आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए मैं आज आपके साथ डीपली इसकी कटिंग इसकी स्टिचिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसके बावजूद भी किसी को किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँगी। तो यहाँ पर अब जो हमने फ्रंट पर सिंपल और जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा है उसको इस तरह से सिलाई लगाकर उसको एडजस्ट कर लेना है और सीधा कर लेना है। अब ये जो सिंपल कपड़ा था उसके ऊपर इसको एडजस्ट करके यहाँ पर हम इस पर किसी भी किस्म की कोई लेस लगा देंगे। लेस लगाने से इसकी खूबसूरती जो है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और अच्छी लगती हैं ऐसी फ्रॉक्स जो हैं पहनी हुई, और इसी से डिज़ाइनिंग जो है इसमें आती है और खूबसूरती में भी इजाफा होता है। अब यहाँ पर एक दबाव की सिलाई जो है वो भी लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल उठी उठी सी लेस ना रहे बल्कि सही से एडजस्ट रहे। अब जो बैक साइड का कपड़ा है पेटी का उससे हम फ्रंट के नाप से रख कर यहाँ नीचे की साइड की तरफ एक सिलाई लगा देंगे और जो ऊपर की खुली साइड है उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इससे दोनों पीसेस को अलग अलग सिलाई लगाएंगे। ये एक किस्म की बटन टेक बनाने का बेहतरीन तरीका है और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका है। एक तो हमारे पीसेस भी अलग अलग थे और दूसरा ये कि अगर हम इस तरह से बटन टेक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और ईजी भी है इस तरह से बनाना। तो यहाँ पर ये भी जो है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जो खुली साइड है इस पे हम एक पिन लगा देंगे, सुई लगा दें आप तो ये एडजस्ट रहेगा और हमें आसानी रहेगी इसके तीरे जोड़ने में। यहाँ पर इसके तीरे जो है वो हमने जोड़ लिए हैं। अब बाजू जो हमने कट किए थे उस पर हम इस तरह से पाइपिंग लगा देंगे और ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल कपड़े से भी पाइपिंग कर सकते हैं लेकिन वो कपड़ा जो है हमारे पास नहीं था तो इसलिए हमने इसको इस तरह से जो है पाइपिंग की है। और अब ये बाजू जो है वो भी हम पेटी के साथ एडजस्ट कर देंगे। इसका सेंटर जो है आपने रख कर इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है तो इजीली ये एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी कटिंग ठीक होगी तो आप हर चीज़ को इजीली कर सकोगे। अगर आपकी कटिंग ठीक नहीं है तो आप की ये जो स्टिचिंग है उसमें कोई कमी बेशी आ सकती है। यहाँ पर अब बाजू जो है एडजस्ट हो गए हैं। अब हम फ्रंट साइड पर जो पैनल हैं जो हमारी गगरी है वो जोड़ेंगे और इसी तरह से बैक साइड पर भी उसको जोड़ देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए कितनी खूबसूरत और नफासत के साथ ये बनी है। अब इसकी लेंथ का अंदाजा लगाते हुए हम इसकी निचली साइड पर बॉटम पर ये फॉल लगा देंगे। ये प्लेट्स डालकर हम इस पे लगाएंगे और प्लेट्स डालने के लिए आपको जो इसकी चौड़ाई है जो कपड़ा लेना है इसके लिए डबल लेना है ताकि उसमें आसानी से प्लेट्स जो हैं वो डल सकें। अब यहाँ पर हमने सिंपली इस तरह से एक एक इंच का जो है या हाफ हाफ इंच का उठाकर तो प्लेट डालते जाना है। इंशाल्लाह आप जब इस फ्रॉक को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको तारीफ सुनने को मिलेगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये फ्रॉक जो है घर पर रेडी हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से।
अब यहाँ पर इस पर एक दबाव की सिलाई हम लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट रहे और खूबसूरत लगे। ये देखिए जी, अब यहाँ पर सिंपली हम बाजुओं से लेकर बॉटम तक एक सिलाई लगा देंगे साइड्स की, ताकि ये फिक्स हो जाए फ्रॉक और बिल्कुल रेडी हो जाए। इस तरह से एक ही सिलाई लगाने से बहुत ही ज्यादा नफासत आती है फ्रॉक में और बहुत ही खूबसूरत ये दिखाई देती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सकें, आप उसे सबसे पहले देख सकें। यहाँ पर अब गले पर हम मगजी लगाएंगे और इसके लिए कपड़ा जो है हम तिरछा रखकर काटेंगे ताकि मगजी को गोल करते हुए हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इन कपड़ों को आपस में सिलाई लगाते हुए जोड़ लेंगे ताकि ये लंबी सी स्ट्रिप जो है हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से ये रेडी हो गई है। अब सिंपली इसको गले पर रखते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है। देखिए जी, यहाँ पर ये सिलाई लग गई है। अब इसको मगजी बनाने के लिए इस तरह से आपने को पकड़ना है और इसको शक्ल देनी है जी मगजी की। यहाँ पर आप सुई धागे से भी इसको सी सकते हैं और फिर इस पर सिलाई लगा सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं, और अगर आप इसको जानते हैं तो आप सिंपली इस पर इस तरह से सिलाई लगा दें। अब यहाँ पर इस सिलाई के बाद फ्रॉक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई या नहीं, ताकि मैं मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकूं। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।